भारत का स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 इतिहास रचने से बस चंद कदम की दूरी पर है। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया है। अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। वहीं इसरो ने बताया है कि उसने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित कर दिया है। टू वे कम्युनिकेशन स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये लैंडिंग 25 किलोमीटर की ऊंचाई से होगी। इससे पहले 20 और 21 अगस्त की रात चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा किया गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम अन्नादुरई ने बताया कि 23 अगस्त को यान का लैंडर चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट का समय लेगा। ये एक तरह से काफी क्रिटिकल समय होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया था।